हेलो गाइड्स, ओपिलेक्स में आपका स्वागत है। तो आप देख सकते हैं कि एक आईबल कंपनी का 5-in-1 होम थिएटर आया है मेरे पास रिपेयरिंग के लिए। ये देख सकते हैं आप, आईबल कंपनी का है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। तो इसका 5 स्पीकर है, यानी इसको बोलते हैं 5-in-1 होम थिएटर। ओके, तो इसका फॉल्ट आप देख सकते हैं कि क्या है इसका फॉल्ट। मैं ऐसी लाइन दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसका फॉल्ट क्या है। तो गाइड्स, आप देख सकते हैं जी, इसका वही कर देते हैं। उसके बाद भी आप देखिए इसका आवाज कैसा आ रहा है, बढ़िया। तो गाइड्स, आपने देखा कि यहाँ पे जो 100 बल्ब का सिर्फ बल्ब जल रहा है, ये बल्ब नहीं चलेगा अगर होम थिएटर अच्छा रहेगा तो। और एक बात है, इसके अंदर से हमिंग जैसा आवाज़ आ रहा है। तो इसी को रिपेयरिंग करेंगे। बने रहिए साथ में वीडियो देखने के लिए, ये कैसे रिपेयर होता है, कहाँ पर फॉल्ट है। तो गाइड्स, पहले तो मैं इसका सारे स्क्रू खोल लेता हूँ, जितना भी स्क्रू लगाई है यहाँ पे। तो गाइड्स, मैं एक एक करके सारे स्क्रू को देखिए, आप खोल लिया। अब इसको आपको दिखाते हैं इसका इंटरनल सर्किट में कि इसका सर्किट क्या है। तो गाइड्स, हर बार जब हम रिपेयरिंग करते हैं तो रिपेयरिंग करने के लिए एक्स्ट्रा नॉलेज लगाना बहुत ज़रूरी होता है कि जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है। तो आप जो सुन सकते हैं इसका जो प्रॉब्लम है, मैं लाइन दे रहा हूँ। ओके, मैं लाइन दिया सेट में। अब देखिए, अब हमिंग जैसा आवाज़ आएगा। हमिंग जैसा आवाज़ आ रहा है, यानी हमारा जो फॉल्ट है कहाँ पे, बेस में है, यानी जो ओफर है, यहाँ पे जो ओफर है ना, इस ओफर से आ रहा है आवाज़। तो इस ओफर से आवाज़ आ रहा है, यानी इस ओफर का जो आईसी लगा रहता है ओफर की सर्किट में, वहाँ पे देखना पड़ेगा फर्स्ट टाइम कि वहाँ पे कंडीशन क्या है होम थिएटर है। तो गाइड्स, मैं सेट को खोल दिया, आप देख सकते हैं। मैं सेट को खोल दिया। अब आप देखिए, 5.1 होम थिएटर है ये, 5-in-1। देखिए गाइड्स, जो यहाँ पे है ना, जो देखिए आप कि यहाँ पे जो 5 IC लगा है, एक एक स्पीकर के लिए है एक एक IC, और ओफर के लिए यानी बेस के लिए हमारा एक एक IC है। तो गाइड्स, आप देख सकते हैं कि ये देखिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 IC लगा है, यानी 6 में से एक जा रहा है यहाँ से, देखिए इस साइड से एक जा रहा है, एक वायर के थ्रू एक चल गया हमारा बेस में। ओके, जो बेस का काम करते हैं AIC। ओके, जो बचा 5 IC, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा स्पीकर के लिए है। तो गाइड्स, इसका जो फॉल्ट है ये हमारा साउंड में है, नहीं है, यानी आउटपुट स्पीकर में नहीं है, इसका फॉल्ट है बेस में, बेस कंट्रोल में, यानी यहाँ पे, जो यहाँ पे IC खराब हो सकता है या यहाँ पे कोई कंपोनेंट ख़राब हो सकता है, इसलिए जो इसका हमिंग जैसा आवाज़ आ रहा है ओफर में। तो गाइड्स, फर्स्ट टाइम क्या क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे जो वोल्टेज वगैरह है वो सब ठीक ठाक आ रहा है या फिर नहीं। तो हम बेस का IC का वोल्टेज चेक करेंगे कि यहाँ पर सही वोल्टेज आ रहा है, यानी आप यहाँ पर आपको मिलेगा 12 से 18 वोल्ट, 18 वोल्ट तक वोल्टेज मिलना चाहिए। तो मैं मल्टीमीटर को 20 रेंज में सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, फॉलो कीजिए। तो गाइस देखिए, अब 22 वोल्ट मिल रहा है हमको, और नेगेटिव वोल्ट कितना है, नेगेटिव वोल्ट भी 22 वोल्ट है, यानी सही है, चलेगा। तो यहाँ पे तो वोल्टेज वगैरह ठीक है, लेकिन इसका जो बेस में थोड़ा सा वोल्टेज भी ज़्यादा है। तो गाइस, इसका जो बेस का जो प्रॉब्लम है ना, ये कहीं से भी ग्राउंड लीकेज कर रहा है, यानी ग्राउंड पूरा पूरी इसको नहीं मिल रहा है, इसलिए जो फड़फड़ आवाज़ कर रहा है, फटी फटी आवाज़ आ रहा है इसमें से।
तो गाइड्स मेरे को या इसका जो फॉल्ट है, ये फॉल्ट दिख गया आपको, दिख रहा है या आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो फॉल्ट है ये कहाँ पे है। तो गाइड्स बहुत ही अच्छे से आप ध्यान दीजिए, आपको देखने को मिलेगा कि आपकी इसका फॉल्ट कहाँ पे है। तो देखिए इसका एक कॉर्नर सर है यहाँ पे, इधर देखिए इसका शोल्डर देख रहे हैं आप, इसका शोल्डर ओपन हो गया। ओके गाइड्स, दोनों तरफ इसका शोल्डर ओपन हो गया, इसके नीचे है कॉर्नर सर लगाए, ये देखिए आप कितना वोल्ट का कॉर्नर सर है, 25 वोल्ट 100 mmD, 100 mmD 25 वोल्ट। ओके इसका हालात देखिए आप, ये डिसोल्डर हो चुके हैं, तो इसलिए हमारा जो